प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम ने आपातकाल से लेकर भ्रष्टाचार और वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। पीएम ने गांधी जी का हवाला देते हुए कांग्रेस मुक्त कल्चर की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने गांधी जी के विचारों के विपरीत काम किया। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, कांग्रेस के परिवारवाद ने लोकतंत्र का अपमान किया। आज पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस ने जाति और धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और भ्रष्टाचार को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। पीएम मोदी ने बापू के आदर्शों को बताते हुए आज की कांग्रेस का चिट्ठा खोला। पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस ने वंशवाद को बढ़ावा दिया, डायनेस्टी फर्स्ट कांग्रेस का मूल मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने बापू के दांडी मार्च को याद करते हुए अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने लिखा, कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी के विपरीत हो चुकी है। कांग्रेस ने समाज को बांटने का काम किया। कांग्रेस के राज में जातिगत दंगे और दलितों के नरसंहार की घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर सेक्टर में कांग्रेस का घोटाला दिखता है। कांग्रेस नेताओं ने गरीबों का पैसा हड़प कर अपनी तिजोरी भरी है। पीएम ने लिखा, बापू वंशवाद के खिलाफ थे, लेकिन आज की कांग्रेस का मूल मंत्री वंशवाद है। पीएम ने आपातकाल का जिक्र करते हुए लिखा, कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का कई बार गलत इस्तेमाल किया। पीएम ने केंद्र की मौजूदा सरकार को बापू के रास्ते पर चलते हुए जनसेवी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस मुक्त कल्चर का सपना यही सरकार पूरा करेगी।